मैं डॉक्टर संजय आप ही की बात को आगे बढ़ाते, आतंकजीत सिंह साहब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपसे दोनों, क्योंकि आप दिल्ली में इस समय हैं, आप वो जो जो हमारे महिला पहलवान जंतर मंतर पे बैठ के एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रही हैं, विभूषण चरण सिंह जी के ऊपर एफआईआर हो गई है लेकिन आज तक उनको पकड़ा नहीं गया है, क्यों नहीं पकड़ा गया नहीं मालूम, वो टीवी चैनल पे, जो टीवी चैनल अभी तक अपने हिसाब से चलाते हैं, वो टीवी चैनल जिसको स्पेस नहीं दे रहे थे जिन चीजों को, सतपाल मलिक को स्पेस नहीं दे रहे थे, अब वो एकदम से सारे टीवी चैनल वाले ब्रजभूषण शरण सिंह जी का इंटरव्यू करना शुरू कर दिए हैं। मैं आपसे सिर्फ दो चीजें मेरे मन में हैं और जो मैं आपसे समझ लूं, एक तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी का जो मामला है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वोट की दृष्टि से मेरे हिसाब से उससे उससे बीजेपी का खूब नुकसान हो रहा है, और दूसरा मामला जो किसानों की बात कर्नाटक में कही गई है, नंदनी दूध की बात थी जो अमूल वर्सेस नंदनी शुरू हो गया था, वहां पे एक तरफ बीजेपी ने कहा है कि हम आधा लीटर हर बीपीएल फैमिली को दूध प्रतिदिन नंदनी दूध पहुंचाएंगे, कांग्रेस ने कहा है कि हम नंदनी दूध के जो किसान हैं, करीब 30 लाख किसान हैं जो डेयरी का काम करते हैं, उनका एमएस उनको 5 रुपया जो अभी मिलता है सब्सिडी उसको 7 रुपया करेंगे। मुझे किसान की बात पे भी और ये जो महिला वाली बात हो रही है ये वोट की दृष्टि से कितना नुकसान कर रही है, दोनों पे जरा आपकी टिप्पणी चाहिए। आतंकजीत सिंह साहब आनंद वर्धन जी नमस्कार। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, इसीलिए 10-15 मिनट आपका प्रोग्राम लेट ज्वाइन किया। मैं वहीं पहलवानों के साथ ही था, उनके प्रोग्राम में था। वहां बैठे बैठे कई लोगों से वार्ता करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि पहलवानों का मसला आज जो वहां का माहौल है वो माहौल वही है जो गाजीपुर में आपने किसान आंदोलन में देखा था। वही कुछ चर्चित चेहरे जो वहां पे थे किसान मोर्चे में, चाहे वो खापे थी, चाहे वो किसान यूनियंस थी, चाहे वो हरियाणा पंजाब के लोग थे, सब सेटिंग बिल्कुल वही है। आप वहां जाएंगे आपको लगेगा आप वापस गाजीपुर में आ गए, वही लंगर चल रहा है, वही पानी आ रहा है, कोई खाना लेके आ रहा है, क्योंकि पहले खाना नहीं लाने दिया जा रहा था, 2-3 बार लंगर उनकी गाड़ियां रिफ्यूज कर दी गई, तो अब लोगों से जो बन रहा है, कोई जलेबी ला रहा है, कोई समोसे ला रहा है, कोई रात का खाना ला रहा है, कोई पानी की बोतलें ला रहा है, कोई चाय का प्रबंध कर रहा है, तो तमाम तरह से चीजें चल रही हैं और वो एक ओपन फोरम बन गया है। एक बैरिकेड लगा दिया गया है जिस बैरिकेड के अंदर पहलवान, क्योंकि कोविड का भी टाइम चल रहा है, उनको भी प्रोटेक्ट करना है, तो पहलवान जो है वो अब एक इंक्लोजर में बैठे हैं और बाहर वो तमाम कार्यक्रम सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक चलता है और कुछ यूनियन के लोग भी रात को वहां सोते हैं। अब मामला विषय ये आ जाता है कि जैसे किसान आंदोलन का माहौल बना था वैसे ही पहलवानों का माहौल क्यों बना और इसकी वजह क्या है। वजह यह है कि जब आपने देखा कि अदानी के साइलोस को बचाने के लिए जब 3 कृषि कानून लाए गए, इंटर स्टेट मूवमेंट अलाउ की गई एग्रीकल्चरल गुड्स की, और ये कहा गया कि हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह माल लेके जाया जा सकता है, स्टेट टू स्टेट अब कोई दिक्कत नहीं है, तो वो एक्चुअली अदानी की स्कीम थी कि सस्ता सामान खरीदो, सस्ती धान खरीदो, सस्ती गेहूं खरीदो और जहां जहां शॉर्टेज है वहां महंगी बेचो। तो उसमें आम किसान का तो फायदा नहीं है, क्योंकि जिसको 1 गाड़ी 2 गाड़ी 4 गाड़ी माल बेचना है वो लखनऊ से उठ के पंजाब तो चला नहीं जाएगा, या पंजाब से जाके राजस्थान जाके बाजरा तो नहीं बेचने चला जाएगा, या सरसों का रेट अगर मान लीजिए साउथ में 4,000 मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में 1,000-1,500 रुपये रेट मिल रहा है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी आ जाएगी कि वो माल लेके जा ही नहीं सकता। तो ये स्कीमें सारी अदानी के लिए बनाई गई थी। अब ब्रिजभूषण सिंह जो हैं वो एक पॉलिटिकल चेहरा है, एक पूंजीवाद का चेहरा है, जिनके खुद के साइलोस हैं और कहा जाता है कि उनके साइलोस भी अदानी के साथ पार्टनरशिप में हैं, और वो कुश्ती संघ के 15 साल प्रेसिडेंट रहे हैं, 5 बार के मेंबर पार्लियामेंट हैं। अब बात ये खड़ी हो जाती है कि ऐसे लोग जब बाहुबली जिनको कहा जाता है उनकी इतनी सामर्थ्य कहाँ से आ जाती है, इतना पैसा कहाँ से आ जाता है कि उनका वर्चस्व इतना हो जाता है कि एक प्रधानमंत्री, वो कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री कहेंगे तब मैं इस्तीफा दूंगा, तो प्रधानमंत्री से भी ऊपर हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का तो मुंह नहीं खुल पा रहा है क्योंकि वो अदानी की सरकार है और अदानी जो कहेंगे वही होगा उस सरकार में। तो मेन मुद्दा ये आ जाता है, आपको याद होगा जब 91-97 में इलेक्शन होते थे तो ये कहा जाता था कि टोटल प्रचार कैंडिडेट का खर्चा 5 लाख से 6 लाख रुपए आंका जाता था कि इससे ज्यादा कोई खर्चा होगा तो उसका ऑडिट होगा। टीएन सेशन के टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, 89 के इलेक्शन में भी मैंने ये देखा, 91 में भी देखा और 95 में भी देखा। अब कहते हैं, अब कर्नाटका में इलेक्शन हो रहे हैं, कहा जा रहा है एक कैंडिडेट का खर्चा 20 से 30 करोड़ रुपया। अब आप बताइए, अगर मैं समाज सुधारक हूं और मैं किसानों की बात, मजदूरों की बात, पहलवानों की बात लेके जनता में जाना चाहता हूं और एक नुमाइंदा चाहता हूं, रिप्रेजेंटेशन चाहता हूं, तो क्या मुझे 20 से 30 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ेगा? चौधरी चरण सिंह कहते थे कि अगर मैं कॉरपोरेट से पैसा लूंगा तो मुझे कॉरपोरेट का काम करना पड़ेगा। वो गांव देहात जाते थे, वो 10 रुपए की पर्ची काटते थे।
मान लीजिए कोई किसान उनको 10 रुपए नहीं दे पाता तो डांटते भी थे कि तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए लड़ूं और मुझे 10 रुपए देने को तैयार नहीं हो, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं कॉर्पोरेट के पास जाऊं। तो इलेक्शंस का टोटल कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है। अब इलेक्शन बॉन्ड्स और इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कोई नहीं करता है। जब कहा जाता है कि ये नियमावली क्या है इलेक्शंस लड़ने की, कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या है, तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो तार तार है। एक जगह चंद्रशेखर राव तेलंगाना के कहते हैं मुझे को कन्वीनर बना दो ऑपोजिशन पार्टीज का, मैं 20-30 हजार करोड़ रुपए खर्च कर दूंगा। और यही बात कर्नाटका के इलेक्शन में हो रही है, बीजेपी कह रही है कि चंद्रशेखर राव जो है वो ऑपोजिशन पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतने पैसे की खुले में तौर में बात करना, पैसों से इलेक्शन लड़ना, और जिनके पास पैसा है अतीक अहमद जैसे लोग, ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोग, ब्रजेश सिंह जैसे लोग, कल को ब्रजेश सिंह भी मेंबर पार्लियामेंट बन जाएंगे, उनके तो पहले 40-50 ट्रक रोज के निकलते हैं कोयले के, चाहे वो जेल में है चाहे वो नहीं है। वो इलेक्शन अगर जेल से लड़ेंगे तो जब पैसे से ही इलेक्शन जीतना है तो फिर आदमी जेल में है या बाहर है, क्रिमिनल है या नॉन क्रिमिनल है, पहलवानों का शोषण करता है या नहीं करता, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो जब तक हमारी इलेक्शन प्रोसेस को, कोड ऑफ कॉन्डक्ट को, कि आप दागी हैं कि नहीं है, आपके ऊपर इल्जाम है कि नहीं है, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। अब सतपाल मलिक जी कहते हैं मोदी जी को करप्शन से कोई गुरेज नहीं है। करप्शन से गुरेज ना होने का मतलब है कि जिसके पास जितना पैसा उसकी उतनी हिस्सेदारी, संख्या की कोई मतलब ही नहीं है, सेंसस कराने का कोई मतलब ही नहीं है। इस देश में दलित कितने हैं, एससी एसटी कितने हैं, उनको कितना रिप्रेजेंटेशन मिलता है, यूनिवर्सिटीज अपॉइंटमेंट्स में उनकी क्या परसेंटेज है, या सरकारी नौकरियां या प्राइवेट नौकरियां में उनको क्या मिलता है। अब ये बात चल रही है पिछले 2-3 इलेक्शन से एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, कि आप अगर उसमें कैटेगरी में पाए जाते हैं कि आप अगर बेरोजगार हैं, अगर आप महिला हैं, अगर आप दलित हैं या एससी एसटी कोटे से आते हैं, या आप किसान हैं, किसान पे भी बात चल पड़ी है, तेलंगाना में 10,000 रुपये एकड़ कहने की बात आ रही है, कर्नाटका में कहा जा रहा है, बीजेपी ने कहा कि हम 10,000 रुपये के बीज मुहैया मुफ्त कराएंगे। ये मुफ्त क्या होता है, ये मुफ्त खोरी की तो बात ही नहीं है। किसान ये चाहता है कि अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं तो या तो आप बाकी फसलों पे जो पानी कम लेती हैं, जैसे जैसे कि बाजरा है और क्रॉप्स हैं, उन क्रॉप्स को आप प्रमोट करें कि हम ये क्रॉप्स अच्छे दामों उचित दामों पे खरीदेंगे, अगर आप फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ना करके आप ये कैश क्रॉप्स उगाएं जिसमें पानी की कम। अब पंजाब में 25 मीटर से 30 मीटर संगरूर में, मोगा में और डिस्ट्रिक्ट्स में पानी की सतह नीचे चलती जा रही है, और पानी की समस्या बहुत बड़ी है। हम लोग ये डिस्कस नहीं करते कि गंगा की जो लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उस लिंकिंग प्रोजेक्ट्स की गंगा की ट्रिब्यूटरीज बनेंगी और लिंकिंग होगी सारी रिवर्स की। आपको मैं बताता हूँ, ये लिंकिंग का प्रोसेस सिर्फ अदानी अंबानी और बड़े कॉरपोरेट्स को मुफ्त में पानी देने की साजिश है। वो पानी को प्रोसेस करेंगे, वो अपनी अल्कोहल कंपनीज, डिस्टिलरी कंपनीज और अपनी केमिकल कंपनीज लगाएंगे, उसी पानी का, उसी गंगा के पानी का इस्तेमाल करके उसको फिर से दूषित करेंगे। तो जिस सरकार ने गंगा को अपनी माँ कह के बेच दिया हो, तो उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो किसानों के हित में काम करेगी। पहलवान कह कह के चिल्ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, निर्भया गाइडलाइंस बनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की जब निर्भया हुआ था, उसमें क्या कहा गया था कि पॉस्को कंप्लेंट हो या शोषण की कोई भी एक कंप्लेंट हो, लेडी आई हो इमीडिएट एक्शन लेगी, 24 घंटे में अरेस्ट होगी। अब सांसदों के लिए क्या ये अलग बेसिक स्ट्रक्चर की बात जब सुप्रीम कोर्ट में कही जाती है तो कहते नहीं, मेंबर पार्लियामेंट हो एमएलए हो उसके लिए रूल वही है। अगर रूल वही है तो ब्रजेश भूषण सिंह ये क्यों कह रहे हैं उन पर कार्रवाई तब होगी जब रिजाइन वो तब करेंगे जब मोदी जी कहेंगे। तो क्या मोदी जी ने दिल्ली पुलिस को रोका हुआ है या अमित शाह जी ने दिल्ली पुलिस को रोका हुआ है कि ब्रजभूषण सिंह को अरेस्ट मत करो। और एक स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी मैं आपको बताता हूँ, लखीमपुर हत्याकांड में जिस तरीके से अजय मिश्रा कैनी को बचाया गया और जिस तरीके से उनके बेटे की बेल हुई आशीष मोनू की, 5 लोग किसान पक्ष के और 3 लोग अजय मिश्रा टैनी के, 8 लोगों की हत्या का आरोपी जिसके विटनेसेस भी नहीं आते हैं, उनको विटनेसेस को धमकाया जाता है, पता नहीं कितने साल ट्रायल चलेगा, 5 साल चलेगा, 7 साल चलेगा, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम को हटाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उस टाइम कहा गया कि ये तो खालिस्तानी है, और सीए के प्रोटेस्टर्स को कहा गया ये तो शाहीन बाग है, और टुकड़े टुकड़े गैंग, जेएनयू में प्रोटेस्टर्स को कहा गया टुकड़े टुकड़े गैंग है, और ब्रिजभूषण सिंह एक मिनट नहीं लगाते ये कहने में कि जो जंतर मंतर पे बैठा है वो शाहीन बाग से आया है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है और वो खालिस्तानी किसान समर्थक है। तो इसका मतलब है कि सबको आप ब्रांडाइज कर दीजिए, अदानी दूध के धुले हैं, अंबानी दूध के धुले हैं, इम्प्रोप्राइटरी की जितनी भी एक्यूजेशन हैं ब्रिजभूषण सिंह पे और लोगों पर वो भी दूध के धुले हैं, मोदी जी भी दूध के धुले हैं,
तो वो तो लॉ से अबव हो गए, उनके ऊपर तो किसान, उनके ऊपर तो कोई शक का घेरा आता ही नहीं है। शक का घेरा किस पे आता है? किसानों पर, जो सवा साल सड़क पे आंदोलन करते रहे, धूप बारिश गर्मी में उन्होंने आंदोलन किया, और जब मजबूरी हुई उत्तर प्रदेश इलेक्शन की, तब अब ये मामला ये खड़ा हो रहा है। अब वहां की वहां भी ये भी धारणा बन रही है कि इसका अंजाम क्या होगा। तो अंजाम क्या होगा कहने का मतलब है कि अगर 4 महीने 6 महीने तक ये सस्टेन हो गया पहलवानों का आंदोलन जंतर मंतर पे, तो उस पर फैसला हो जाएगा। हो सकता है ब्रिजभूषण सिंह को अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि उनका कार्यकाल तो 7 मई को वैसे ही खत्म हो जाएगा पहलवानी का। और जहां तक रही किसानी की बात, मैं आपको एक बात बता दूं, बेंगलोर की हमारे 200 संगठन की ऑर्गेनाइजेशन है, शुगर केन ऑर्गेनाइजेशन है, किसान रैया ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक मेमोरेंडम मैनिफेस्टो बनाया आज से 15-20 दिन पहले, और सारे नेशनल डेलीज में, हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में उसको मैनिफेस्टो को उन्होंने अपने एडिटोरियल में छपवा के दिया कि ये हमारा मैनिफेस्टो है, हम चाहते हैं कि शुगर लॉबी का कोई भी, या शुगर जो चीनी मैन्युफैक्चर निर्माता हैं उनकी कोई भी फैक्ट्री के ओनर को मिनिस्टर ना बनाया जाए, क्योंकि वो फिर अपने हित में काम करता है। उसमें MSP की बात की गई, उसमें किसानों को ऋण देने की बात की गई, उसमें एक ट्रैक्टर पे 5 एकड़ जमीन को गिरवी रखना ना जिया जाए, उसके प्रोपोर्शनल में किया जाए, ये बात की गई, सिविल स्कोर की बात की गई, प्रीपेड मीटर्स की बात की गई, पानी की मुहैया की बात की गई। उन्होंने सब बातें वो कहीं जो SKM में यहाँ लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग के लिए उन्होंने अपना रास्ता खोला कि ये हमारा मेमोरेंडम है, मैनिफेस्टो, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं जाएंगे, और जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे मैनिफेस्टो पे हमसे वार्ता करने को तैयार है, या हमारी बातों में कुछ बातें मान लेती है और कुछ बातों पर बहस करने को तैयार है, तो हमारा वोट उसको है, नहीं तो नोटा है। तो हमने एफर्ट किया, इनिशिएटिव लिया, तो कांग्रेस में, कांग्रेस की क्योंकि पोजीशन अच्छी है कर्नाटका में, और कहा जा रहा है कि क्लीन स्वीप है, और वहां पे बीजेपी की 40% सरकार, कहते हैं क्राई PM और पे CM, जो उनका नारा है कि PM आते हैं तो अपनी बात करते हैं, मेरे पे 91 बार केस दर्ज हुए, मेरे पे 91 बार मेरे को गालियां दी गई। भाई जितनी गालियां वो बाकी ऑपोजिशन मेंबर्स को देते हैं, जो हंसी ठहाके लगाते हैं, जो लोगों के बारे में उल जलूल बोलते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे हैं कर्नाटक इलेक्शन में, लोकल मुद्दों पे कोई बात नहीं हो रही है। तो इसलिए किसान मुद्दों पर जब कांग्रेस ने ये कहा कि हम वार्ता करने को तैयार हैं, सिद्धारमैया जी आज हमारे वहां के भी 200 संगठनों से मिले, उन्होंने उनकी कई बातों पे उन्होंने एग्री किया, और 6 तारीख को कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है वहां के वहां पे खड़गे साहब, उनके साथ 6 तारीख को फाइनल वार्ता करके वो किसान संगठन 200 संगठन अपना, ये एक मॉडल कोड हमने बनाया है कि वार्ता करो, बात करो, पॉलिटिकल प्रोसेस में जाओ, अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप उनको वोट मत दो, अगर वो आपकी बात मानते हैं, सिर्फ किसान कह देना कि किसान मुश्किल में है ये इसका सलूशन नहीं है। कि पहलवानों की बात जो है गलत, पहलवानों में वो महिलाएं हैं, वो 7 महिलाओं की रिटन कंप्लेंट है, जिसमें एक महिला जो है, एक लड़की जो है वो अंडर एज है। अब वो 2012 का केस है, 2016 का केस है, ये सब विषय वहां पे उसका है, स्क्रूटनी का है। जब रिटन स्टेटमेंट फाइल हो जाएगी तो ब्रिजभूषण सिंह बचेंगे नहीं उसमें। जिस तरीके से किसान आंदोलन में सबके समर्थन से 3 कृषि कानून वापस हुए, मेरा पूरा मानना है कि समय जरूर लगेगा, पर ब्रिजभूषण मोहन सिंह पे केस दर्ज होगा और वो अरेस्ट होगा। आत्मजीत सिंह साहब, चलते चलते एक चीज जरा समझाइए, और बहुत संक्षेप में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, एक नया चीज शुरू हो रही, रोज कोई ना कोई पकड़ा जा रहा है, संजय राय शेरपुरिया, तो कौन, किरण पटेल, विराज पटेल, और ये सब लोगों को कहा जा रहा है कॉन मैन, ठग। ये लोग ठग हैं कि ये लोग उस जो नेतृत्व है, जो वो व्यवस्था है, उसके पार्टनर है, और कहीं कहीं पार्टनर से कुछ गड़बड़ हो जा रही है तो वो इनको, क्योंकि ये ठगी तो किसी की किए नहीं है, इन्होंने किसी को ठगा थोड़ा ही है। अगर हमारे संजय राय शेरपुरिया से, हमारे मनोज सिन्हा साहब उनसे ऑफिशियली उधार लेते हैं, और मेरे कई दर्शक कह रहे हैं कि अगर चोरी का सोना कोई बेचे तो उससे भी पूछताछ होती है कि तुमने ये कहां से हुआ, तो इनसे तो कोई पूछताछ नहीं हो रही। आपको लगता है क्या ये भी एक चीज दिखा रही है कि ये जो व्यवस्था है ये किस किन लोगों के हाथों में है? आतंकी मोदी राज को आपको समझना पड़ेगा, मोदी राज जो है वो ऐसा चल रहा है कि मोदी एक है और सारे ब्यूरोक्रेट्स उनके नीचे हैं, और ब्यूरोक्रेट्स ही ये गवर्नमेंट चला रहे हैं। ये सरकार जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं चला रहे हैं, ना इसमें प्रिविलेज मोशन है, ना इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, ना इसमें प्राइवेट मेंबर बिल हैं, ना इसमें संसद में बहस होती है, चाहे वो राज्यसभा लोकसभा हो, चाहे वो स्टेट असेंबलीज हो, यहाँ पे मोदी राज चल रहा है। और उनमें जब मोदी राज चलता है तो उसमें कई सारे कॉनमैन आ जाते हैं। आपको याद होगा चंद्रस्वामी भी एक कॉनमैन हुआ करते थे एक जमाने में, औरंगजेब रोड पे बैठ के वो आशीर्वाद दिया करते थे, और जिसको आशीर्वाद देते थे
वो बहुत आगे निकल जाता था। अब ये संजय राजा शेरपुरिया है, इन पे मैं स्टडी कर रहा था, इन्होंने एक कंपनी बनाई यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन, उसमें इन्होंने क्या किया, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, मतलब आपको अगर मैं नाम गिनाने शुरू करूं तो बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं इसमें, एसके नंदा साहब हैं, उनका जो है किरण पटेल से भी लिंक है कि किरण पटेल को उन्होंने हेल्प किया था और जो अरेस्ट हुआ जम्मू में, और उसके बाद उसमें एडमिरल सुनील आनंद हैं, उसमें एयर कॉमोडोर बिजेंदर सिंह हैं, यूपी काडर के 82 के आईएएस ऑफिसर हैं। काम कैसे करते हैं ये लोग, ये पहले एक ट्रस्ट बनाते हैं, उस ट्रस्ट में वो ब्यूरोक्रेट्स को इन्वॉल्व करते हैं, उस ब्यूरोक्रेट्स को इन्वॉल्व करके वो तमाम सीएसआर कंपनीज के पास जाते हैं जिनके पास बजट होता है पैसा खर्च करने का, वो कहते हैं आप हमें 20 लाख रुपया दीजिए, 10 लाख रुपया दीजिए, तो हम आपका सरकार से ये काम करा देंगे। वो दलाली करते हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं, पीएमओ से सब कुछ होना है, तो वो अपना कार्ड बनाते हैं, उसमें बताते हैं कि हम दिल्ली राइडिंग क्लब वन सफदरजंग रोड पे बैठे हैं और 7 रेस कोर्स रोड से हमारी डायरेक्ट हॉटलाइन है और डायरेक्ट हॉटलाइन से काम होता है, वो ऐसा बताते हैं। और किरण पटेल के कार्ड में तो पीएमओ उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ही वो अपने आप को कार्यकर्ता बता रहे थे। तो इन लोगों का काम ही यही है, और यही बात सत्यपाल मलिक ने कही कि हसीन दराबो जो मिनिस्टर थे मुफ्ती साहब की सरकार में, वो कह रहे थे कि ये परियोजना लगाई जाए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाली जो थी, जिसमें उन्होंने उनको ऑफर किया कि 150 करोड़ रुपए इसमें है। तो जब ये सत्ता जब अथॉरिटेरियनिज्म पे आ जाती है, ऑटोक्रेसी आ जाती है, तो यही सब दलाल लोग काम करते हैं, जो पकड़ा जाता है, जो दिख जाता है, जिसके बारे में पब्लिक आ जाती है वो पकड़ा जाता है। 1,34,00,000 रुपए की रिटर्न फाइल की इन्होंने, उसमें 1,31,00,000 रुपए चैरिटी आई, कहां से आई, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज। पब्लिक सेक्टर कंपनीज की भी सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्हीं कौन मैन के अकाउंट में जा रही है, और ये कर क्या रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं। तो ये सब जो है तामझाम जो है ये क्रिएटेड है, और ये एक उसी विषमता की तरफ लेके जाता है जिसमें पैसे के द्वारा वोट खरीदे जाते हैं, पैसे के द्वारा इलेक्शन लड़े जाते हैं, और पैसे से ही सारा काम होता है। तो ये सरकार तो कॉर्पोरेट की सरकार है, तो कोई इसमें दोराय नहीं होनी चाहिए कि किरण पटेल और संजय राय शेरपुरिया जैसे हजारों लोग, मैं कहता हूं एक या दो की गिनती नहीं कर रहा, ऐसे हजारों लोग कार्यरत हैं जो यही काम कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर सरकार सत्ता परिवर्तन होता है तो सब धरे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, नहीं तो ये भी बिलियनियर मिलियनियर बनके लंदन अमेरिका जाके सेटल हो जाएंगे। जी जी,